पहले हम हॉस्पिटल जब ये बेटा एडमिट रहा था उस समय के हम वीडियो को देखेंगे। जो इंजेक्शन से लग रहे थे 2000 का, कितने इंजेक्शन लगे थे? दस इंजेक्शन लगे वो 2000। मतलब 2000 का एक इंजेक्शन और 10 इंजेक्शन, 10 टीके 20,000 के, 20,000 के इंजेक्शन लग गए, पर फिर भी वो दर्द नहीं रुक रही, नुकसान कर दिया। कितने पैसे लग गए हॉस्पिटल में? 60-70 हज़ार। तो इस बच्चे के लिए प्रभु के दास के द्वारा प्रेयर हुई। अभी हम उस प्रार्थना वाली वीडियो क्लिप को देखेंगे। जितना भी रोग बीमारी है, खांसी, खुदावंद तो डायबिटीज है, इसी समय खुदावंद तेरे जीवित नाम से इसे छोड़े और चले। नन्हे अब यस प्रभु, नाम से मैं आख्या करता हूं, तूने कहा मेरे नाम से जो कहोगे वो होगा। तो जिस ब्रदर जी का नाम सुरेंद्र सिंह है और चिकमोह गांव के रहने वाले हैं और इनका बेटा है सुखदीप, और इसकी गवाही ये है जो ब्रदर जी बता रहे हैं कि आज से 20 दिन पहले और इस ब्रदर इनके बेटे को सर्दी लग गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, जिसके कारण इसके राइट साइड वखे में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई और वो दर्द इसके राइट साइड शोल्डर तक पहुँच गई, जिसके कारण जो बेटा बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि जे बता रहे कि वो दर्द इसके बर्दाश्त से बाहर थी, इतनी ज़्यादा दर्द थी और खांसी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई, इन्फेक्शन हो गई, और जे मेडिसिन दे रहे थे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर इन्होंने बताया कि जे इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, और जे ब्रदर जी बता रहे कि जैसे इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा इंजेक्शन भी लगवाए पर कोई भी दर्द का फ़र्क नहीं पड़ा था। पहले हम हॉस्पिटल जब जे बेटा एडमिट रहा था उस समय के हम वीडियो को देखेंगे। हॉस्पिटल में रहा और कुछ दिन इसका ट्रीटमेंट चला पर फिर भी वो दर्द नहीं रुक रही थी। इन्होंने जो बता रहे कि डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा टेस्ट किए तो बाकी तो नॉर्मल आए, पर एक प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर ने कहा कि इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, जिसके कारण जो इसके दर्द थी वो रुक नहीं रही थी और इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा थी। और इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की और इनको उत्साहित किया गया पर जो बता रही कि फिर भी वो दर्द रुकी नहीं। पर जैसे इनकी बात प्रभु के दास के दास जी के साथ हुई तो उन्होंने इनको टीच किया, क्योंकि उन्हीं दिनी भवन में 3 दिन की प्रेयर थी और जैसे इनको प्रभु के दास ने उत्साहित किया और मैसेज दिया गया कि आप इसको प्रेयर में लेकर आएं, तो जैसे जो हॉस्पिटल से जो घर आ गए और इन्होंने लगातार जो प्रार्थना में भवन में आते रहे, तो जो ब्रदर जी बता रहे कि जैसे जो प्रार्थना की मीटिंग में आते रहे तो इस बच्चे के लिए प्रभु के दास के द्वारा प्रेयर हुई। अभी हम उस प्रार्थना वाली वीडियो क्लिप को देखेंगे। रोग बीमारी है, खांसी, खुदावंद तो डायबिटीज है, इसी समय खुदावंद तेरे जीवित नाम से इसे छोड़े और चले। नन्हे अब यस प्रभु, नाम से मैं आख्या करता हूं, तूने कहा मेरे नाम से जो कहोगे वो होगा। यस खुदा, जो अंधकार की नेगेटिविटी की आत्मा इस बच्ची की बॉडी में काम कर रही, वो बीमारी देने वाली आत्मा राइट नाउ इसे छोड़े और चले, छोड़े और चाहिए। इसकी सारी खांसी यीशु मसीह तेरे क्रूस के साथ मैं इसका अंत करता हूं, जो तुमने क्रूस पर मेरे पिता मेरे प्रभु अपना जीवन देकर हर रोग का अंत किया है, मैं अंत करता हूं प्रभु। मैं और जी ब्रदर जी बता रहे कि जैसे कि जब प्रभु के दास के द्वारा प्रेयर हुई तो
जो इसकी बहुत ज्यादा दर्द थी, जो बता रहे कि इसकी बर्दाश्त से भी बाहर थी, इतनी दर्द थी क्योंकि इन्होंने कुछ दिन हॉस्पिटल में भी रहे, एडमिट भी रहे। जो बता रहे कि जो इंजेक्शन वो लगाते थे बहुत महंगे थे, 2000 का एक इंजेक्शन था जो इसको लग रहा था, पर फिर भी वो दर्द रुक नहीं रही थी, कम नहीं हो रही थी। पर जैसे ही जो मीटिंग में लेकर आए, प्रेयर में लेकर आए, तो प्रार्थना के बाद उसी दिन ही जो बता रहे कि जो दर्द थी वो बिल्कुल कम हो गई और जो दर्द से फ्री हो गया। पर जो बता रहे कि इसको शुगर की प्रॉब्लम थी और इसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, 400 से 500 तक हो जाती थी और इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा थी। तो इनको और भी बताया गया कि आप परमेश्वर में बने रहे, धन्यवाद करते रहे, इनको उत्साहित किया गया। तो इनको बोला कि आप साथ में अपना ट्रीटमेंट भी करवाते रहे। तो जो कुछ दिन फिर हॉस्पिटल में रहे और इसके ट्रीटमेंट कराते रहे, क्योंकि जो इन्फेक्शन थी वो अभी है थी और डॉक्टर ने कहा था कि आप कुछ समय मेडिसिन की इसको ज़रूरत है। तो जैसे कि डॉक्टर ने कहा था कि आपके फेफड़ों में भी पानी है, पर जैसे ही प्रेयर हुई और जो नेगेटिविटी का प्रभाव था, और जो बता रहे कि इनको कुछ दिन ही बस हॉस्पिटल में रहना पड़ा, पर बाद में वहाँ से इनको डिस्चार्ज मिल गया, छुट्टी मिल गई और जो अपने घर आ गए और जो धन्यवाद में बने रहे, और जैसे कि प्रभु के दास इनको लगातार टीच करते रहे और जो उत्साहित करते रहे, जो बने रहे। तो आज जो बता रही कि 2 हफ्ते हो गए इनका बेटा पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो इसके फेफड़ों में पानी है, ना इन्फेक्शन है, ना शुगर की प्रॉब्लम है, और जो बहुत ज़्यादा बलगम आती थी, खांसी की प्रॉब्लम थी, परमेश्वर ने आज पूरी तरह से इसको फ्री कर दिया है। अभी जो बेटा अपने स्कूल में जा रहा है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, और जो बिल्कुल परमेश्वर ने अपनी ग्रेस, अपनी सामर्थ के द्वारा आज इसको हील कर दिया है। हम सब जोर से अपने हाथों को उठाते हैं, क्लीस क्या तारीफ करेंगे। आमीन। हाँ, इनको माइक देना। जो इंजेक्शन से लग रहे थे 2000 का, कितने इंजेक्शन लगे थे? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। 10 इंजेक्शन लगे वो 2000, मतलब 2000 का एक इंजेक्शन और 10 इंजेक्शन, 10 टीके, 20,000 के, 20,000 के इंजेक्शन लग गए, पर फिर भी वो दर्द नहीं रुक रही थी। बोलो क्या थी? दर्द नहीं रुक रही थी। समझ आ रही है? अब देखो, ये छोटा सा बच्चा है, इसे कहते हैं पाप। लोगों को पाप के बारे में नॉलेज नहीं, कैसे वो लोगों के जीवनों में बीमारियां लेकर आता है, कैसे शैतान उस पाप के जरिए लोगों के जीवन क्या कर देता है, नाश करता है। ये छोटा सा बच्चा, एक हल्की सी दर्द हुई, दर्द के कारण हॉस्पिटल ले गए, पहले दर्द रुक नहीं रही। हाँ, डॉक्टर ने चेकअप हुआ तो वो कहते फेफड़ों में पानी है, एकदम से दर्द से कहां से इतना कुछ हो गया। अब ये देखो, जो छोटा है अभी, कितनी एज है इसकी, उम्र कितनी है? 12 साल का। अब जो शुगर की बीमारियां हमेशा ही जे जाकर 30, 35, 40 साल के करीब होती है लोगों को, 30, 35 साल में जाकर, 30 के बाद ज्यादातर, 30, 35 साल में। तो अभी ये तो 12 साल का है, इसे ये बीमारी कहां से आ गई? छोटा सा बच्चा है, क्योंकि शुगर एक बड़ी नामराद बीमारी है। समझ आ रही है? तुझे तो छोटा सा है, 5-550 शुगर रहती थी इसकी, क्या रहती थी? पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का जिसने इन्हें चुना है, जिस पर ये विश्वास करते हैं, क्या करते हैं, और उस विश्वास के जरिए परमेश्वर ने फिर इस बच्चे को अच्छा किया है। ये भला चंगा और आपके सामने है। और सुनो, ये हालात आया क्यों है? सबसे पहले हम ये इस बात को भी समझेंगे, क्योंकि मैंने इनसे जब मिला तो मैंने कहा, क्या कारण है मुझे बताओ। मुझे परमेश्वर, मैंने प्रार्थना की है आपके लिए, क्योंकि इसकी दर्द रुक नहीं रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे बताओ क्या कारण है कि इसके ऊपर हालात आया। परमेश्वर ने ऐसे मेरे मन में डाला है, इसका कारण कोई ना कोई है, मुझे बताओ वो क्या कारण है इसके हालात आए। तो उन्होंने कहा, हाँ एक कारण है, हमने कई दिन, कितने दिन प्रार्थना नहीं की? 10-12 दिन उन्होंने प्रेयर बिल्कुल भी नहीं की। क्यों? लिखा है कि प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पढ़ो।
दस बारह दिन इन्होंने कोई धन्यवाद नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। खाली घर को देखकर कौन आता है? मैंने कहा खाली घर को देखकर कौन आता है? और वही आया। बोलो क्या है? वही आया और देखो कितना नुकसान कर दिया। कितने पैसे लग गए हॉस्पिटल में? 60-70 हजार। ओ देख लो। इसलिए इस जान के लिए यीशु मसीह ने कहा इंसान सब कुछ करता है। इस जान के लिए वो बहुत कुछ करता है। देखो 60-70 हजार लग गया, मगर अगर उसमें बने रहते वो चीजें जो खुदावंद ने हमें करने के लिए कहा है तो जीवन सेफ रहता है, फिर नुकसान नहीं होता। अगर ये उस चीज को करते रहते तो ये बड़ा नुकसान नहीं होता। पर धन्यवाद है परमेश्वर का कि अगर सिर्फ पैसों की बात होती तो पैसे भी समय काम नहीं कर रहे थे, इन्हें समझ नहीं आ रही थी हम इतने खर्च कर रहे हैं, इतने महंगे इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी कोई इसे फर्क नहीं पड़ रहा। पिछले दिनों में जब प्रेयर रखी गई थी 3 दिन की, यहां पे रखी थी ना 3 दिन की प्रेयर, आपके उन्नति के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए, आपके छुटकारे के लिए, हर एक चीज के लिए, तो उसमें फिर आई ये, उसी में अभी आपने क्लिप देखा, प्रार्थना हुई, परमेश्वर छुटकारा दिया, दर्द रुकी, तब जाकर दर्द रुकी। और जब ये खांसी करता था ना, खांसी इतनी दर्द होती थी खांसी की वजह से, ये पूरा इसका ऐसे कहते ना बंदा एकदम से पूरा ऐसे इकट्ठा हो जाता है, बड़ी तकलीफ थी। आज तो आपके सामने है ना, भला चंगा नजर आ रहा है। जब प्रॉब्लम थी इसको देखना, इसकी हालत क्या थी, और जो इसके मम्मी इसके पापा, ये इन पर क्या बीत रही थी, इनको पूछो। अभी तो सब कुछ ठीक हो गया इसलिए नॉर्मली लग रहा है ना सारा, जब मुसीबत थी तब देखना इनके साथ क्या गुजर रही थी। पर धन्यवाद है इन सब बातों के लिए कि जिस खुदा ने, जिसने इनसे प्रेम किया, इन्होंने उसका विश्वास किया, फिर से प्रार्थनाओं में लगे रहे और आज आपके सामने भला चंगे। इसलिए इस बड़े काम के लिए, छुटकारे के लिए दिल से ऊंची फता यसु कोले, फता यसु कोले, फता यसु कोले, शिफा 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 यसु कोले, यसु सदे रोगा दी दवा तेरे कोले, यसु सदे रोगा दी दवा तेरे कोले, फता तेरे कोले, शिफा तेरे कोले, फता तेरे कोले, शिफा तेरे कोले, फता तेरे कोले, शिफा तेरे कोले। आमीन। ओके जी, अब ये गलती दोबारा नहीं करना। हाँ समझते हो? कहते नहीं जी। यहां पे एक बंदा आया ना, उसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, वो कान पड़ रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा वो खांसी जुकाम के जरिए ना उसकी सांस रुकी। तो मैंने कहा कि क्योंकि वो भी संगति में बना नहीं हुआ था, तो अब बोल यहाँ पे जब उसकी गवाही दी तो मैंने कहा दोबारा गलती मत करना, वो खान पकड़ कर रहा है, नहीं अब नहीं करेंगे, वो देखो बैठा है। कहते अब दोबारा गलती नहीं करनी। ओके जी, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। हाँ